इंडिया की फर्स्ट डिस्टोपियन फ्यूचर बेस्ड मूवी, बॉलीवुड की स्टंटमैन टाइगर्स ऑफ स्टारडम हीरोपंती 3 नहीं मेरे मतलब गणपत का टीजर रिलीज हो चुका है और इस मूवी को 2070 के एरा पर टेक प्लेस किया गया है। इस मूवी में कृति सेनन और अमिताभ बच्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये मूवी एक डिस्टोपियन स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा के जॉनर में फिट बैठता है और ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 जैसे मूवीज बनाने वाले डायरेक्टर विकास वावल ने इस मूवी को डायरेक्शन दिया। ये सब कुछ तो ठीक है पर टाइगर भाई साहब अब अच्छे खासे स्टंट कर लेते हैं ये हम सब जानते हैं। नो डाउट आपका स्वैग जबरदस्त है और हीरोपंती दिखाने में आप एक नंबर हो पर ये गणपत का टीजर रिलीज करने से पहले आप एक बार इस टीजर को आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत को दिखा देते तो बहुत अच्छा होता क्योंकि टीजर में क्लियरली पता चलता है आदि पुरुष 2.0 इज कमिंग। वो पुराण का एपिक था और ये फ्यूचर का एपिक है। भाई टीजर के स्टार्टिंग में इस शॉट को देखने के टाइम मैंने क्लियरली समझ लिया था कि आगे मुझे क्या देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये उसके बाद नेक्स्ट लेवल ये भाई साहब क्या बनाया गुरु। हमने पबजी खेला है, BGMI खेला है, फ्री फायर भी खेला है, मतलब फ्री फायर से ये अच्छा है। GTA 5 तो खेलने का औकात नहीं है पर यूट्यूब में मैंने बहुत बार देखा है। पर मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, टीजर देखो सब समझ में आ जाएगा। आज के डेट पे हॉलीवुड में डिस्टोपियन फ्यूचर बेस्ड मूवीज का एग्जांपल भरा पड़ा। हाँ मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा और ना ही मैं आदि पुरुष से कंपेयर करने वाला हूँ क्योंकि इसका बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है और 200 करोड़ के अकॉर्डिंग ये चीज छोड़ो। खैर क्रिएटिव लिबर्टी का इस्तेमाल कौन नहीं करना चाहे। नो डाउट इसके कहानी में पोटेंशियल जरूर होगा क्योंकि मुझे जितना याद है इंडियन ऑडियंस स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन मूवीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पर यहाँ पर लॉर्ड गणेश जी के साथ फ्यूचर को कैसे इस्तेमाल करके कैसे कहानी को एग्जीक्यूट किया जाएगा ये देखने वाली बात है। टीजर में बताया जा रहा है ये वर्ल्ड विदाउट होप जहाँ देखने को मिल रहा है कि कुछ पैसों वाले लोग मर्सिडीज लेके गरीबों के बस्ती में घुस रहे हैं और सब लोग उनको सलाम ठोक रहे हैं और एज यूजुअल हर एक डिस्टोपियन मूवीज में जो होता है खाने को लेकर लड़ाई, लोग एक घड़ा पानी के लिए मरे जा रहे हैं। देखो भाई डिस्टोपियन मूवीज में ये कॉमन है पर इंडिया में पहली बार हो रहा है। फिर उसके बाद 2070 में अलग अलग टाइप के स्पेस शिप्स पृथ्वी में खुलेआम घूम रहे हैं। मुझे नहीं पता 2070 तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, कोशिश करेंगे जिंदा रह जाए तो ये सब देख कर जाएंगे। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन सर कहते हैं ये लड़ाई तब तक मत हारना जब तक कि ना हमारा योद्धा आ जाए, मतलब टाइगर्स ऑफ यानी गणपत। मेरा मानना है इस मूवी का नाम गणपत है तो इस मूवी में प्रोबेबली टाइगर्स ऑफ गणपत यानी गणेश जी के अवतार में दिखने वाले हैं, जैसे कल की मूवी में प्रभास विष्णु के कल्कि के अवतार में दिखने वाले। जो भी कहो भाई एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई डिस्टोपियन मूवीज में ये लोग हिंदू माइथोलॉजी को बहुत अच्छे से कनेक्ट करके अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं जो चीज हॉलीवुड मूवीज ने अब तक उतना ट्राई नहीं किया है। जितना मुझे लगता है गणपत मूवी सुपर हीरो मूवीज की तरह बहुत अलग अलग अनदर एडवांस टेक्नोलॉजी को हाईलाइट करने वाला है। टाइगर्स ऑफ है तो मूवी में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा विद स्टंट्स के साथ विद क्रिंज डायलॉग एग्जैक्ट हीरोपंती की तरह, जिसका एक हिंट टीजर में मिल भी चुका है। जब अपनों पर बात आती है तो अपन की हट जाती है। बहुत खूब भाई साहब, टाइगर भाई साहब छा गए आप तो। देखो भाई ये डायलॉग डाल दिया तो डाल दिया, उसके बाद मूवी में ऐसा डायलॉग और एक भी सुनने को मिला तो भाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर इस मूवी में एक इशू तो हमेशा सही रहेगा जो कि बहुत 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 बेकार चीज है भाई। हमें नहीं चाहिए ऐसी VFX, दुनिया एडवांस हो चुकी है, हम लोग कब तक एडजस्ट करते रहेंगे बताओ और कब तक खुद की इंडस्ट्री को ही गाली देते रहेंगे बताओ। हमें नहीं चाहिए हॉलीवुड लेवल VFX पर 2023 में आके हमें पबजी मत पकड़ाओ भाई साहब। बाकी ये बंदा तो मूवी का मेन विलेन नजर आ रहा है, ये टाइगर का जो रोबोटिक जो माल मटेरियल है वो VFX गंदा है पर माल मटेरियल अच्छा लग रहा है। ओवरऑल लॉर्ड गणेश जी के साथ टाइगर को लेकर ये कैसा डिस्टोपियन वॉर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बट मैं इसको देखने के लिए इंटरेस्टेड जरूर हूं पर VFX या CGI से मैं कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखने वाला बॉस। वीडियो लेट आया है मैं जानता हूँ, सॉरी भाई साहब बिजली चला गया था, मेरे पास बाहर कोई सेटअप लगाने का बंदोबस्त नहीं था तो मैं कुछ नहीं कर पाया, सॉरी माफ कर देना। अच्छा लगा तो लाइक फाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।